Hey guys, welcome again to the last video of this course, which is called Important Topics. This is presented by me, that is Hariom Patel. So, ये 2016 का जो NEET का paper 1 हुआ था ना, paper 2 भी होता, तो ये paper 1 का pie chart है. इसमें क्या दिख रहा है कि 27% questions mechanics से आए हुए हैं, 24% question है electrodynamics से, मतलब electricity current, basically NCERT 12th का part 1 सारा का सारा. ठीक है, उसके बाद 16% क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से, 13% क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स है, 11% आए ऑप्टिक्स से, 7% एस एस कैमर वेव से, और 2% फ्लूइड्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स से. ठीक है, तो अगर आप मान लो कि 1/3 आ रहे हैं मैकेनिक्स से, मान लो ज़बरदस्ती 1/3 मैकेनिक्स से आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितने क्वेश्चन हुए हैं, 15 क्वेश्चन 45 में से मैकेनिक्स से आ रहे हैं, बाकी बचे 30 क्वेश्चन बाकी के टॉपिक्स आ रहे हैं. और हमने बात की थी कि मैकेनिक्स सी टफ होता है ना, तो 30 क्वेश्चन अपने को मिल गए नीट 2016 में. यह नीट 2017 का, इसमें 31% मैकेनिक्स आ गए और बाकी सारे ये उन्हीं टॉपिक्स हैं बचे हुए टॉपिक्स से. तो इसमें फिर वही हो गया कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन बाकी टॉपिक्स से और 15 क्वेश्चन हो गए किससे, मैकेनिक्स से. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हुए हमारे, तब मैकेनिक्स तो भाई टफ होती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसमें, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए टफ होती है. टफ तो नहीं होती मैकेनिक्स सच में, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम है इसलिए हम उसको टफ कह देते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बचता है फिर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बचता है ना, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स सारा का सारा बचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचता है, उसके बाद SHM एंड वेव्स भी, वेव्स तो ईजी है, SHM में काफ़ी सारी मैकेनिक्स आती है. ठीक है, तो ऑप्टिक्स बचता है, मॉडर्न बचता है, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 8 क्वेश्चन दे देगा आपको, मिनिमम 8 क्वेश्चन, इलेक्ट्रो 10 से ज़्यादा ही देगा ये, तो ऑप्टिक्स 7-8 क्वेश्चन दे देता है, और मॉडर्न में भी 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं. और टाइम कितना लगना पड़ने में, मॉडर्न तो काफ़ी आसान होती है तो 1 हफ्ता लग गया आपको. ठीक है, ऑप्टिक्स में भी वही क्वेश्चन वोशन करने होते हैं तो 1 हफ्ता लग जाता है, इलेक्ट्रो क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, मैग्नेटिज्म भी है, करंट वरेंट भी है, तो इसमें 15 दिन लग जाएंगे, मतलब 2 हफ्ते, और 1 हफ्ते में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा. तो 5 हफ्ते में आप 30 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर सकते हो, 5 हफ्ते में 30 क्वेश्चन तो बहुत होता है कि आप 66% पोर्शन को 5 हफ्तों में कवर कर सकते हो, जो कि 2 साल में किया जाना होता है, 100% 2 साल में करना होता है. तो 5 हफ्तों में आप ये सारा सारा पोर्शन कवर अप कर सकते हो नीट के लेवल का, एम्स के लेवल का, वो भी अच्छे से. तो आसान टॉपिक्स हैं तो पढ़ लीजिए, है ना, बेस्ट ऑफ लक, और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, या किसी स्ट्रेटजी को लेके, या न्यूमेरिकल फिर भी नहीं बन रहे उस तरीके को अपना के भी, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल था या कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ नया मिला आपको सीखने को, तो बिल्कुल प्लीज़ इसको शेयर करें, और आप वीडियो को रेट भी कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.